तो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बीवी नंबर वन, बीवी नंबर टू, उर्फी जावेद, तू बहन है मेरी, तू क्या कुछ भी कमेंट करती है। दे आर थ्री ऑफ देम हैप्पी। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तीनों बिग बॉस में दो बच्चों के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही धोखा दिया उसे। कितना टुच्चा पति है उसका, कितना टुच्चा पति। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तीनों बिग बॉस में आए तो बहुत अच्छा हुआ। आप समझ सकते हैं मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो दर्द का, दिल टूटने का, जिंदगी लूटने का, सपने टूटने का। वो बेचारी पहली बीवी दो बच्चों के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही धोखा दिया उसे। कितना टुच्चा पति है उसका, कितना टुच्चा पति। और हिंदुस्तान में कैसे अलाउ होगी दो शादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुस्लिमों में चार चार शादी अलाउ, हिंदुस्तान में कैसे हो गई? इनके लिए कोई अलग लॉ निकाला है क्या? कोई अलग इनके लिए कोई कानून निकला है क्या? आज बिग बॉस पे सलमान खान भाई मेरे यहाँ पे ये होस्ट होते तो इनकी खटिया को पूरे उखाड़ के रख देते। अनिल जी, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ चुपचाप मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो, सुन रहे हो, मजे ले रहे हो। कभी इधर चुम रहा है, कभी उधर चुम रहा है वो बंदा। सारी अच्छी चीजें दूसरी बीवी पे डाल दी, जलन और बहुत सारी चीजें पहली बीवी पे। अरे वो तुम्हारा तुमसे सच्चा प्यार करती थी, तुम्हारे दोनों बच्चे थे, इसलिए वो वहां पे टिकी हुई है। फिर भी सब दर्द सहकर, पहले कितनी खूबसूरत दिखती थी वो लड़की, अच्छी मोटी एकदम एकदम। इन दोनों को साथ में, आप समझ रहे हो ना, एक ही घर में सब, कोई भी बीवी अपनी आंखों से देख नहीं सकती है अपने हस्बैंड को बांटते हुए, खुद को डांटते हुए और दूसरों के दूसरी औरत के साथ बांटते हुए। मुझे जो दर्द महसूस हो रहा है, क्या आप लोगों को भी वही दर्द महसूस हो रहा है? हिंदुस्तान के लोगों, अगर आप लोगों ने सचमुच माँ का दूध पिया है ना, सचमुच तुम लोग इंसान हो ना, मेरा वोट तो पहली बीवी को जाता है। मैं अपनी आंखों से, दुआओं में, वोटिंग में हर वक्त उसको जिताना चाहूंगी। इनको जो दूसरी बीवी है ना, उसका मुंह तक गिर जाएगा। उसको उसको पता होना चाहिए, उसको उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। कि किसी के पति को नहीं छीनना चाहिए, प्यार में नहीं डालना चाहिए, छोटे छोटे कपड़े पहनकर आशिक नहीं बनाना चाहिए। बताओ, उसने विश्वास किया, पति का नंबर दिया और वो दोनों बाहर घूमने गए, टाइम टाइम फिश करी, धका धक करके पहले बीवी की इजाजत ना लेकर भी लोग दोनों शादी करके आ गए। अनिल कपूर जी, आप खड़े खड़े सिर्फ देख रहे हैं, आप होस्ट है, आपकी जगह तो मेरा सलमान खान भाई होस्ट होना चाहिए या मैं होस्ट होनी चाहिए थी। इनकी धज्जियां उड़ाती मैं कि कुछ हिंदुस्तान में कुछ रहा ही नहीं है क्या? विश्वास भी नहीं रहा, इसलिए बोलते अभी दोस्त भी नहीं रखने चाहिए, किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं। मुझे तो हर जगह से धोखे मिले, मैं तो ये सारी चीजें दिल में, मुझे पता है, मैं तो जानती हूं कि कितनी तकलीफ होती है। मुझे तो जितने धोखे मिले हैं, पति से, दोस्तों से, हर जगह से, हर जगह से, मेरा दर्द कोई जान नहीं सकता। सिर्फ पंखे से लटक जाने के बाद ही पता चलता है कि मैं दर्द में हूं। क्या मैं आत्महत्या करने के बाद ही पता चलेगा मेरा दर्द? मेरा दर्द मैं जान सकती हूं, मेरा खुदा जान सकता है। मैं उस लड़की का दर्द जानती हूं जो बिग बॉस में है, उस बीवी का, उसके दो बच्चे लेके वो कहां जाती? कॉम्प्रोमाइज किया उसने, ये तो सोचो ना कि यहां पे हो रहा है, घर में उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। मैंने तो सुना वो लड़का और भी शादियां किया था। भाई तू क्या सुबह नाश्ते में शिलाजीत, लंच में शिलाजीत और रात को खाने में शिलाजीत, ये लाइगरा वाइगरा जैसी चीजें खाता है क्या भाई खाने में? इतनी बीवियां कर रहा है भाई, तूने तो मुसलमानों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक के साथ ढंग से नहीं रह सकता, अब तेरे जैसा दूसरे लोग भी करेंगे, बता गलत है? अगर एक लड़की ने दो पति कर दिए तो यहां बवाल हो जाता है। वो पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, उसको सैल्यूट करती हूँ भाई, तीन तीन हस्बैंड
कर ली, अच्छा हुआ। क्या कर सकते हैं, औरत तीन तीन दो दो हस्बैंड करे तो उसको एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और ये देखो क्या कर रहा है, मेरा वोट पहली बीवी को जाता है। तमाम हिंदुस्तानियों को मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप सच्चे इंसान, अच्छे इंसान, माँ का सचमुच दूध पिया है, पहली वाली को ये बिग बॉस जिताओ, वो जितनी चाहिए, ताकि दूसरी वाली को और उसके पति को थोड़ी शर्म आए। कहता दूसरी वाली को जिताना चाहता है, घंटा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बीवी नंबर वन, बीवी नंबर टू, ये रणवीर जो बिग बॉस में आए हैं, तीन तिगाड़ा लेकिन पूरी दुनिया का दिमाग बिगाड़ा। ओह माय गॉड, और आई एम सो अपसेट ये देख करके, क्या बोलूँ मैं, काश मैं अंदर होती तो रणवीर की खटिया को खड़ी भी कर देती और बीवी नंबर टू की बैंड बजा देती। क्योंकि स्ट्रेस, यू नो व्हाट, क्या प्रॉब्लम है, जज कौन है, अनिल कपूर, जो अपनी फिल्मों में बीवी नंबर वन, बीवी बीवी नंबर वन, इतनी बीवियां कर चुके हैं, उनकी फिल्में आई, उनको देखकर ही ये रणवीर और इन्होंने शादियां करी। बताओ, जज ही ऐसे करेंगे, बिग बॉस के होस्ट दूसरे क्या करेंगे, बताओ, आप बताओ क्या करेंगे। उर्फी जावेद, तू बहन है मेरी, तू क्या कुछ भी कमेंट करती है, दे आर थ्री ऑफ देम हैप्पी, तो दुनिया को क्या लेना देना। भाई एक बार बिग बॉस में आ जाते हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, पहली बीवी खुश नहीं है। जबरदस्त हमारे हिंदुस्तान में सिखाया जाता है बचपन से कि पति के साथ रहकर उनका साथ देना होता है, चाहे जिस भी हालत में हो। माँ बाप के घर से डोली निकल, कहते हैं ना डोली निकल जाती है, और थी पति के घर से निकल जाती है, माई फुट। तुम नहीं समझ पाओगी उर्फी, ये सेम तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारा पति दूसरी बीवी लाता, तो उर्फी जितना मैं तुम्हें जानती हूं ना, तुम पति को भी मारती है और उसकी दूसरी बीवी को भी, और जाके जेल में बैठ जाती उर्फी। तो बेटा तुम्हें जब एक्सपीरियंस नहीं है ना शादी का, तो मत बोलो, डू यू नो दैट वो पहली बीवी क्या क्या सह रही होगी।